हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.3। आज हम सीखेंगे डिवाइड करना, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे करते हैं, उनके डिवीजन कैसे करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स बाय द पॉलिनोमियल्स जी ऑफ एक्स। हमें क्या करना है, पी ऑफ एक्स को डिवाइड करना है। किससे करना है, जी ऑफ एक्स से। एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। और क्या निकालना है, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्लियर है। अब ये देखिए, हमें पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। मैं आपको ये सेकंड क्वेश्चन करके दिखाऊंगी। फर्स्ट एंड थर्ड अपने आप ही हो जाएगा, इजी है। क्लियर है। अब ये देखिए क्या करना है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। ये है हमारा क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही साइन लगाते हैं डिवाइड का। एक्स की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। ठीक है भाई, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। करना किससे है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, इसके साथ। यहां तक क्लियर है। अब ये देखिए करते कैसे हैं डिवाइड। हम क्या करेंगे, इसके फर्स्ट वेरिएबल को डिवाइड, रफ में एक रफ पेज ले लेना अपने साथ साथ। क्या करेंगे हम, इसके फर्स्ट वेरिएबल एक्स की पावर 4 लिखा, इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, एक्स स्क्वायर के साथ। किसके साथ, एक्स स्क्वायर। ये चीज रफ में करते रहना। ये देखिए, एक्स की 4 को एक्स स्क्वायर के साथ डिवाइड करेंगे तो एक्स की पावर 2 रह जाएगी ना एक्स की पावर 2। तो यहां अब हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। यहां अब हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब ये जो एक्स स्क्वायर आया है ना, इसकी हम इन सब के साथ अलग अलग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। इन सब के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 4। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, एड होती है ना, तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4। यहां तक क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर की 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। यही आएगा ना, एक्स स्क्वायर की 1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर की माइनस एक्स के साथ करेंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो साइन को ही देखते हैं, यहाँ ये प्लस का है और ये माइनस का, तो आएगा किस चीज का, माइनस का। ये तो क्लियर है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स तो पावर एड होंगी तो क्या बन जाएगी, एक्स की पावर 3। यहां तक क्लियर है भाई। अब हम एक ऐसे लाइन लगाते हैं नीचे और इनके जो साइन होते हैं उनको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जो प्लस के होते हैं उनको माइनस के कर देते हैं और जो माइनस के होते हैं उनको प्लस के। अब यहाँ एक्स की पावर 4 किस चीज का है, प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का। क्लियर है। ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। यहां तक क्लियर है भाई। अब ये देखिए, ये ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, प्लस माइनस और एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे। ये तो हो गया कैंसिल। अब ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस। और ये एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा वेरिएबल यानी कि सेम पावर वाले वेरिएबल में ही हम सेम पावर वाले को ऐड करते हैं, ऐड या माइनस जो कुछ भी करना है वो करते हैं। एक्स स्क्वायर में हम एक्स स्क्वायर वाले को ही प्लस करेंगे एंड एक्स की क्यूब में हम एक्स की क्यूब वाले को ही प्लस करेंगे। अब ये देखिए, ये तो आपस में हो जाएंगे, ये भी एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर, बट ये एक्स की क्यूब, ऊपर तो एक्स की क्यूब कहीं पर भी नहीं है जिसमें हम इनको प्लस कर सके, नहीं है ना, तो इसको तो हम क्या कर लेंगे, अलग से लिख लेंगे। और एक्स की क्यूब बड़ा है एक्स स्क्वायर से, तो इस वजह से इसको हम पहले लिख लेंगे एक्स की क्यूब। क्लियर है। प्लस का था साइन, चेंज होने के बाद जो साइन आएगा वही लगाना है हमें यहाँ पे। अगर यहाँ पहले प्लस होता और साइन चेंज होने के बाद माइनस आता तो यहाँ पे हम माइनस ही लगाते। क्लियर है। यहाँ क्या लगा देंगे, क्या लिख देंगे हम, एक्स की पावर 3। फिर हम एक्स की स्क्वायर को लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, बट साइन किस चीज का आता है, माइनस का।
थ्री और ये क्या है वन, थ्री और वन कितना हो गया 4x2। यहां तक क्लियर है? अब ऊपर से उतारते हैं जैसे डिवाइड में उतारते हैं ना, वैसे ही क्या है +4x+5। आप एक एक करके भी उतार सकते हो या फिर दोनों एक साथ भी उतार सकते हो, क्लियर है? अब ये देखिए फिर दोबारा से वही, अब इसके पहले वेरिएबल को क्या है x की पावर 3 डिवाइड करेंगे इसके पहले वेरिएबल के साथ क्या है x की पावर 2, क्लियर है? x की 3 को x की पावर 2 से डिवाइड करेंगे तो सिर्फ क्या बचा x की पावर 1, यही बचा ना, यानी कि क्या बचा +x+-b। अब ये भी प्लस है ये भी प्लस, तो प्लस का ही रहेगा, क्लियर है? क्या हो जाएगा +x। अब इस x के फिर से हम तीनों के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई, पहले तो हमें फर्स्ट एंड फर्स्ट को क्या करना है डिवाइड, फिर जो आएगा उसकी इन सब के साथ क्या करनी है मल्टीप्लाई। x की x स्क्वायर के साथ करेंगे क्या आएगा x की क्यूब। एक चीज और ध्यान देना, जब भी हम यहाँ ऐसे डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट वेरिएबल के बिल्कुल सेम आता है, जिससे वो क्या हो जाते हैं कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है? एक्स एक्स स्क्वायर को करेंगे एक्स की क्यूब, फिर एक्स की वन के साथ करेंगे, ठीक है? एक्स की किसके साथ करेंगे वन के साथ, तो कितना आएगा एक्स, एक्स की वन के साथ करेंगे तो एक्स ही आएगा ना। अब एक्स को एक्स के नीचे लिख सकते हैं, एक्स वाला ये है ना हमारा, तो ये भी प्लस, तो क्या आ गया प्लस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे आगे पीछे आप लिख सकते हो। एक्स को वन के साथ करोगे तो एक्स आएगा, तो एक्स वेरिएबल में ही ऐड होगा ना वो, तो एक्स वेरिएबल के साथ ही हम इसको लिख देंगे, क्लियर है? अब एक्स की माइनस एक्स के साथ, पहले तो प्लस एन माइनस क्या आ जाएगी माइनस, एक्स की एक्स के साथ मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी एक्स स्क्वेयर, यही आएगी ना, तो एक्स स्क्वेयर के नीचे उसको लिख दो। यहां तक क्लियर है? हो गया, फिर लाइन लगाते हैं। अब तीनों के साथ हो गई ना मल्टीप्लाई, ये क्या था प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, क्लियर है? एक्स की क्यूब माइनस एक्स की क्यूब कैंसिल, क्लियर है? अब ये देखिए प्लस, ये ऊपर वाला माइनस नीचे वाला प्लस, प्लस माइनस क्या होती है माइनस, ठीक है भाई? प्लस माइनस माइनस होती है ना, फोर में से वन गया कितना बचा 3x2, बट किस चीज का माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है और 4 के आगे साइन किस चीज का है माइनस का, तो क्या बचेगा -3x2, क्लियर है? यहां तक ये भी प्लस माइनस माइनस, अब 4 प्लस का है बड़ा प्लस का है ना, तो +3x, ऊपर से फिर क्या आ गया 5, आ गया भी यहां तक समझ में? अब फिर दोबारा से वही, इसके फर्स्ट वेरिएबल को इसके फर्स्ट वेरिएबल के साथ क्या करेंगे हम डिवाइड, -3x2 डिवाइड करेंगे x2। अब देखिए माइनस भी ली है हमने, ध्यान रखना -3x2 की हम डिवाइड करेंगे x2 के साथ, x2 से x2 कैंसिल, क्या बचा -3, क्या बच गया -3। यहां तक समझ में आ गया भाई? अब इस -3 की करेंगे हम इन सब के साथ, साइन भी ध्यान रखना, अब -3 की x2 के साथ करेंगे तो -3x2 आ जाएगा, क्लियर है? अब -3 की +1 के साथ करेंगे, -3 की +1 तो 3 बन जा 3 और माइनस का, तो कॉन्स्टेंट के नीचे ही लिख ले कॉन्स्टेंट आया है तो, क्लियर है? अब -3 की -x, माइनस माइनस पहले तो क्या हो जाएगा प्लस, 3 के x के साथ करेंगे क्या आ जाएगा 3x, फिर साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का था प्लस का, ये प्लस का था माइनस का, ये माइनस का था प्लस का, ये कैंसिल, ठीक है? अब ये देखिए ऊपर वाला 3x प्लस का, नीचे वाला माइनस का, ये भी कैंसिल, 5 और 3 दोनों ही ये प्लस के हो गए ना, 5 और 3 कितना होता है 8, ये हमारा क्या आ गया रिमाइंडर एंड ये हमारा क्या आ गया क्वेश्चन, क्लियर है भाई? इस तरीके से हमें क्या करते हैं हम पॉलिनोमियल्स की डिवाइड करते हैं, ठीक है? इस तरीके से हम डिवीजन करते हैं पॉलिनोमियल्स की। अगर अभी भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है डिवीजन का, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर डाल देना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको सॉल्व जरूर करेंगे। अब करते हैं हम आगे, ये देखिए
फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही हमें डिवाइड करने हैं, बस यहाँ जो जीरो फैक्स है ना, क्या दे रखा है, 2 - x² दे रखा है। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, वेरिएबल को आगे लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हैं, -x² + 2, बट साइन वही रहेगा भाई जिसके आगे जो है, ठीक है। क्या लिख सकते हैं हम इसको, -x² + 2। फिर आप इससे क्या कर सकते हैं, इसके डिविजन कर सकते हैं, इजी है बिल्कुल। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। क्या बोल रहा है कि चेक करो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है ना, फर्स्ट, देखो कोमा लगा हुआ है, जो फर्स्ट पॉलिनोमियल्स ये हो गया t²-3 इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। सेकंड ये पूरा ही हो गया, इस सेकंड पॉलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है, बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल्स। और कैसे चेक करना है, सेकंड पॉलिनोमियल को हमें डिवाइड करना है इस फर्स्ट पॉलिनोमियल के साथ, सेम ऐसे ही डिवीजन करनी है बिल्कुल, ठीक है। बस चेक कैसे होगा, अगर आपका रिमाइंडर जीरो आया, अगर आपका रिमाइंडर जीरो आया तो क्या लिख दोगे, यस इट इज अ फैक्टर ऑफ फर्स्ट यस फैक्टर ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, ठीक है। अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो क्या हो जाएगा, नहीं, नो, यह उसका फैक्टर नहीं है। क्लियर हुआ भाई, अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो फैक्टर है, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो ये इसका फैक्टर नहीं है। बिल्कुल इजी है, अभी जो ऊपर डिवीजन किए ना, सेम इसी तरीके से बस स्टेप बाय स्टेप करते रहना। अगर समझ में नहीं आया तो पहले इस वीडियो को 2 बार ध्यान से देखना कि डिवीजन हो कैसे रही है, बिल्कुल उसी तरह स्टेप बाय स्टेप करोगे तो फिर चाहे आपको कोई भी पॉलिनोमियल्स मिल जाए, कोई भी वेरिएबल्स मिल जाए, आप इजिली डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है। अब हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन, क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन, ऑब्टेन ऑल द जीरोज ऑफ 3x³ + 6x³ - 2x² - 10x - 5। हमें क्या निकालनी है, ये एक पॉलिनोमियल्स दे रखी है, इसकी और ऑब्टेन ऑल अदर जीरोज ऑफ, इसकी और दूसरी जो जीरोज हैं वो निकालनी है, इफ टू ऑफ इट्स जीरोज, इसकी दो जीरोज दे रखी है, ठीक है भाई, ध्यान देना, इसकी दो जीरोज निकाल के दे रखी है, √5/3 एंड -√5/3। क्लियर है। जीरोज क्या होते हैं, हमने पढ़ा था ना पहली वीडियो में, जब भी हम कोई भी पॉलिनोमियल्स दिया जाता है उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख के उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की जो वैल्यू निकालते हैं, उस वेरिएबल की जो वैल्यू निकालते हैं वही उस पॉलिनोमियल्स के क्या होते हैं, जीरोस। यानी कि इससे क्या पता चला, ये जो √5/3 एंड -5/3 दे रखा है ना, ये क्या है, एक्स की वैल्यूज हैं, ये क्या है, एक्स की वैल्यूज हैं। यहां तक समझ में आया, अब हम करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए भाई क्या लिख देंगे हम, जीरोस दे रखी है ना ये, तो क्या लिख देंगे, थर्ड क्वेश्चन, 2 zeros आर इज इक्वल टू क्या है, √5/3 एंड -√5/3, यही दे रखा है, ठीक है भाई। अब हमने क्या पढ़ा था कि जीरोज क्या होते हैं, जो पॉलिनोमियल्स में जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल की कुछ ना कुछ वैल्यूज होती है। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखो वेरिएबल क्या यूज हो रहा है, एक्स यूज हो रहा है ना, तो ये भी क्या है, एक्स की वैल्यूज है। क्या लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू √5/3, क्लियर है। एंड दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू -√5/3, यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए हम क्या इसको एक इक्वेशन के यानी कि पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कि हमने पॉलिनोमियल्स निकालते वक्त फैक्टर बना के भी निकालते थे ना पॉलिनोमियल्स, सेम उसी तरीके से x ये क्या है, प्लस का था, तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, -√5/3 इज इक्वल टू 0, और ये क्या हो जाएगा x, ये इस तरफ आके +√5/3 इज इक्वल टू 0 बन गए दो। अब ये देखिए कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई, यूज द आइडेंटिटी a - b a + b। अब ये तो फैक्टर बने ना उसके, यानी कि a - b एंड a + b किसके इक्वल होता है, a² - b² के, इसी के इक्वल होता है। तो हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, हम यही
ये क्या है, x माइनस रूट रूट फाइव बाय थ्री एंड x प्लस रूट फाइव बाय थ्री किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस रूट फाइव बाय थ्री का स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, हो गया क्लियर अभी यहां तक। अब स्क्वेयर से तो रूट कैंसिल है ना, तो क्या बचा, एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो, यही बच गया ना, एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो। अब हम इसको सोल्व करेंगे, क्या था एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव बाय थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे थ्री, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव ऐसे ही लेते हैं ना, वन से डिवाइड करेंगे थ्री, थ्री को एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स स्क्वेयर, थ्री से थ्री को डिवाइड करेंगे वन, वन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे फाइव इज इक्वल टू जीरो। अब ये जो थ्री है बाय में है, उस तरफ जाके जीरो के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, जीरो के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है ना, ये जीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, जीरो ही आएगा, यहां तक समझ में आ गया। अब ये क्या बन गया, एक सेकंड पॉलिनोमियल बन गया हमारा, क्या बन गया, सेकंड पॉलिनोमियल। अब हमें जो और अदर जीरोस निकालने हैं ना, वो कैसे निकालेंगे, अब हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स की पावर क्यू माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव डिवाइड बाय क्या करना है, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव। देखिए एक डिवीजन का क्वेश्चन और सॉल्व हो जाएगा, एक बार और अच्छे से ध्यान से देख लो। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, इसके साथ लगा दो भाई डिवाइड का साइन, थ्री एक्स की पावर फोर प्लस सिक्स एक्स की पावर क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस टेन एक्स माइनस फाइव, यही है क्या, किससे डिवाइड करना है, थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव के साथ, यहां तक क्लियर है, सेम वही प्रोसीजर, इसके फर्स्ट वेरिएबल को इसके फर्स्ट के साथ क्या करेंगे, रफ में डिवाइड करके देख लो, थ्री एक्स की पावर फोर को हम डिवाइड करेंगे थ्री एक्स की पावर स्क्वेयर से थ्री कैंसिल, स्क्वेयर से फोर को कैंसिल करेंगे तो एक्स स्क्वेयर बचा, तो यहां क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वेयर, क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वेयर। अब इस एक्स स्क्वेयर की थ्री एक्स स्क्वेयर के साथ करेंगे तो थ्री एक्स की पावर फोर आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर एक्स की स्क्वेयर के साथ करेंगे एक्स की पावर फोर, क्लियर है। अभी सेक्स स्क्वेयर की माइनस फाइव के साथ करेंगे तो प्लस माइनस, सबसे पहले तो क्या आ गया, माइनस, सबसे पहले तो क्या आ गया, माइनस। एक चीज और ध्यान देना, अब एक्स स्क्वेयर की फाइव के साथ करेंगे तो फाइव एक्स स्क्वेयर आएगा ना माइनस का, अब एक्स स्क्वेयर वेरिएबल के नीचे ही एक्स स्क्वेयर वेरिएबल को लिखेंगे, क्योंकि हमने अभी सीखा था कि हम सेम पावर वाले वेरिएबल में ही सेम पावर वाले वेरिएबल को प्लस माइनस करते हैं, तो यहां आ जाएगा ये माइनस फाइव एक्स स्क्वेयर, यहां तक क्लियर है भाई। अब हम लगाएंगे नीचे साइन, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये किसका हो जाएगा, प्लस का, ये तो हो गया कैंसिल, क्यूब के नीचे तो कुछ नहीं है, तो सिक्स एक्स की क्यूब को ऐसे ही लिख दें, ठीक है, और ये प्लस माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होती है, माइनस फाइव में से टू गए थ्री, अब फाइव बड़ा है, फाइव के आगे साइन देखो किस चीज का, प्लस का, तो क्या आ जाएगा, प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर, यहां तक क्लियर है। ऊपर से ले लेंगे माइनस टेन एक्स और फिर क्या आ जाएगा, माइनस फाइव, एक बार माइनस टेन एक्स भी सिंपल भी उतार सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फिर दोबारा से फर्स्ट वेरिएबल को, फर्स्ट वेरिएबल सिक्स एक्स की क्यूब को थ्री एक्स स्क्वेयर के साथ, थ्री टू जा सिक्स, क्यूब को स्क्वेयर से कैंसिल करेंगे तो सिर्फ क्या बच जाएगा, यहां से क्या बचा, टू एक्स, क्या बच जाएगा, टू एक्स, किस चीज का, प्लस का, तो क्या लिख देंगे, प्लस टू एक्स। अब इस टू एक्स की थ्री एक्स स्क्वेयर के साथ, पहले तो टू थ्री जा सिक्स, एक्स स्क्वेयर को एक्स के साथ करेंगे एक्स की क्यूब, यहां तक क्लियर है। अब टू एक्स की माइनस फाइव के साथ करेंगे तो प्लस माइनस, तो क्या आएगा, माइनस, ठीक है भाई। अब फाइव टू जा टेन एक्स, ये आएगा ना माइनस टेन एक्स, बट किसका आ रहा है, एक्स वेरिएबल आ रहा है, तो एक्स वेरिएबल के ही नीचे लिख देंगे माइनस टेन एक्स, यहां तक क्लियर है। अब फिर दोबारा से लाइन लगाओ, ये क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस माइनस ये कैंसिल। अब ये भी तो देखो टेन एक्स सेम है, प्लस ऊपर वाला माइनस, नीचे वाला प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, कैसे होता है प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस क्या होती है, माइनस। अब 10x में से 10x को माइनस करेंगे क्या आएगा, जीरो ही आएगा ना, समझ में आ गया। अब यहां से क्या बच गया, 3x स्क्वायर, और क्या बच गया, माइनस फाइव,
यहां तक क्लियर है। अब ये देखिए 3x² की हम 3x² के साथ करेंगे, 3x² को 3x² के साथ करेंगे कैंसिल, क्या बचा 1, तो क्या आ जाएगा प्लस का 1, क्या आ जाएगा 1। अब 1 की 3x² के साथ करेंगे 3x², 1 की 5 के साथ माइनस 5 के साथ तो माइनस 5, समझ में आ गया ना। फिर साइन चेंज, ये माइनस का और ये प्लस का, ये कैंसिल, ये भी प्लस माइनस कैंसिल, रिमाइंडर कितना आ गया 0, रिमाइंडर कितना आ गया 0, समझ में आया। यानी कि इसको डिवाइड करने पर हमारे पास एक पॉलिनोमियल और आ गया, क्या आ गया आप देखिए क्या आया है इसको डिवाइड करने पर क्वेश्चन, x² + 2x + 1। अब हम इससे क्या निकालेंगे, उसके अदर जीरोज निकालेंगे, इससे क्या निकालेंगे उसके जीरोज निकालेंगे, क्लियर है भाई। अब ये देखिए हमने इसके फैक्टर बनाने सीखे थे, अब कोई दो ऐसे नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आए 1 आए, और उनको ऐड करने पर क्या आए 2 आए, मल्टीप्लाई करने पर तो 1 आए, ऐड करने पर 2 आए, समझ में आ गया ना। अब देखिए ऐसे क्या है 1 और 1 है ना, 1 × 1 तो क्या होता है 1, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। कैसे लिखेंगे x² + सिर्फ हम इस 2 की जगह लिखते हैं 1 + 1, फिर ये x आ जाएगा, फिर ये 1 आ जाएगा, समझ में आया। ऐसे फैक्टर बनाने इजी होते हैं भाई थोड़े से। x² अब ये देखिए प्लस है तो दोनों प्लस प्लस के ही आएंगे। अब ये x जो है इसके साथ भी है और इसके साथ भी, x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1x, 1x को हम सीधा x ही लिख लेते हैं, दोबारा से x की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1x, 1x को सीधा ही x लिख लेते हैं, और यहां से क्या है प्लस 1, क्लियर है। इन दोनों को लेते हैं और फिर लास्ट दोनों, फर्स्ट टू एंड लास्ट टू। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है x, यहां से क्या बच जाएगा x, यहां से x तो बाहर ही चला गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है तो क्या है 1, ठीक है। अब यहां से तो क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, और यहां भी x प्लस 1, देखिए सेम होता है ये, बिल्कुल हो गया ना सेम। अब इस पूरे में से एंड इसमें से क्या कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, यहां से क्या बच गया x, और यहां से क्या बच गया प्लस का 1, क्लियर है। अब इसको x + 1 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, x + 1 = 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई -1, क्लियर है भाई। इस तरीके से क्या आ गए 2 अदर जीरोज और आ गए, 2 जीरोज आर, इसके 2 जीरोज और क्या आ गए -1 और -1, ये हो गया हमारा क्वेश्चन सोल्व, समझ में आया भाई। पहले जो 2 जीरोज दे रखे थे उनसे हम क्या बना लेंगे, एक पॉलिनोमियल बना लेंगे इस तरीके से। अगर नहीं आ रहा है तो 2 बार वीडियो को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और फिर भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, हम वो क्वेश्चन जरूर निकालेंगे, क्लियर है। बिल्कुल इसी तरीके से क्या करना है हमें, क्वेश्चन सोल्व करना है। अब ये देखिए भाई इसका फोर्थ क्वेश्चन, ऑन डिवाइडिंग x³ - 2x² + x + 1 / ζ(x), द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर, ठीक है, इसको डिवाइड करने पर किससे, एक ζ(x) है कोई भी पॉलिनोमियल जिसका हमें नहीं पता है उसे डिवाइड करने पर क्या आए, क्वेश्चन एंड रिमाइंडर आ गए। क्वेश्चन कितना आया x - 2 एंड रिमाइंडर कितना आया -2x + 4, क्लियर है यहां तक। फाइंड ζ(x), अब हमें उस ζ(x) की वैल्यू निकालनी है, क्लियर है। देखिए सबसे पहले तो लिख लो क्या दे रखा है, क्या है भाई डिविडेंड, ये जिस यानी कि जिसको डिवाइड करते हैं वो क्या होता है डिविडेंड होता है ना, तो क्या लिख लेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड कितना है x³ - 3x² + x + 2, ये है। और क्या है क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन दे रखा है ना कितना x - 2, कितना दे रखा है x - 2 एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर भी दे रखा है, रिमाइंडर कितना दे रखा है -2x +
फोर, एंड जिससे डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, डिवाइजर। डिवाइजर तो हमें नहीं पता, बट इसने क्या बोला है, जी ऑफ एक्स से डिवाइड किया है, तो हम क्या लगा ले निकाल लेंगे, जी ऑफ एक्स। अब हमें इस जी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले तो आप फिफ्थ क्लास से एक फॉर्मूला यूज करते आ रहे हो डिवाइड के केस में, जब हम डिवाइड को वेरीफाई करते थे। आपको याद होगा डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला यूज करते थे ना, क्या करते थे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, ये वाला फॉर्मूला यूज करते थे। सेम यही फॉर्मूला आज हम दोबारा से यूज करेंगे। अब देखिए डिविडेंड जो दे रखा है वो डिविडेंड के नीचे लिख दो, एक्स एक्स की क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस टू इज इक्वल टू, डिवाइजर कितना है, डिवाइजर तो पता ही नहीं, यही तो हमें निकालना है, जीरो एक्स। मल्टीप्लाई इक्वेशन कितना है, एक्स माइनस टू, ठीक है भाई, प्लस रिमाइंडर कितना है, माइनस टू एक्स प्लस फोर। यहां तक क्लियर है। अब हमें देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई में है, सबसे पहले हम हटाते किसको है जो प्लस माइनस में हो, प्लस में क्या है, माइनस के टू एक्स प्लस का फोर। अब हम इसको इक्वलिटी के साइन के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं, सबसे पहले तो इस तरफ जो है उसी को लिख लेंगे, ध्यान से देखना। अब ये देखिए माइनस टू एक्स इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स, क्लियर है, माइनस टू एक्स इस तरफ आके क्या हो जाएगा, प्लस टू एक्स, एंड ये प्लस फोर इस तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस का फोर इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस टू, ये बचा, इसको सोल्व कर लो, एक्स की क्यूब, एक्स स्क्वेयर का कोई और नहीं है तो माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर, ये देखिए x एंड 2x दोनों ही प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा 3x, क्लियर है, 2 माइनस 4 कितना आ गया, माइनस 2 इज इक्वल टू जी ऑफ x मल्टीप्लाई x माइनस 2, यहां तक क्लियर है। दोबारा अब ये देखिए जी ऑफ x की वैल्यू निकालनी है ना, और जी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई में क्या है, x माइनस 2, इसको भी हटाएंगे, अब ये मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, x माइनस टू इज इक्वल टू जीओ एक्स। अब जीओ एक्स कैसे निकलेगा, सिंपल सा क्वेश्चन बन गया, इसको हम अभी जो हमने डिवीजन सीखी है ना, सेम उसी तरीके से क्या कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे x माइनस टू के साथ, क्लियर है, कर लोगे, ये डिवाइड हम निकाल चुके हैं पहले भी, अब आपको ये डिवीजन निकालनी है, क्लियर है भाई। इस तरीके से अब हमारी होती है 2.3 कंप्लीट। अब ये डिवाइड निकालने के बाद डिवाइजर आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन नहीं निकल रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व हो रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम उसका सॉल्यूशन जरूर करेंगे। थैंक यू।